हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो मिंत्रा का इससे पहले वाला हॉल है वो ज़्यादा काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगा है, तो उसके बाद मैं सेकंड पार्ट लेके आई हूँ। काफ़ी सारे प्रोडक्ट है, काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में प्रोडक्ट है। सबका स्क्रीनशॉट लगा दूंगी मैं, क्योंकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, तो झूठ नहीं बोल रही। सबसे पहले प्रोडक्ट मेरा ये वाला था, ये आयरन थी। इसके ऊपर मैं नाम भूल गई, इसका नाम कुछ था ऐसे ही, हाँ लाइफ लॉन्ग कम करके कुछ नाम था। ये साइड में इमेज है, स्क्रीन शॉट है। 175 रुपये में मुझे ये पड़ी है, बहुत अच्छी आयरन है। हालांकि मैंने यूज़ नहीं किया, इसके साथ बिल है, मैं बिल भी आप लोगों को दिखा सकती हूँ। प्लीज़ ऐसे कमेंट मत किया करो कि झूठ बोल रही हूँ या फेक है, ये वीडियो फेक नहीं होता। मुझे क्या मिलेगा आप लोगों के साथ चेक करके। और दूसरा ये वाली बोतल थी जो मैंने इसके साथ ऐड की थी, तो ये दोनों, ये बोतल आई थिंक मुझे 94 रुपीज़ की पड़ी होगी। साइड में देख लो, 97 की मुझे बोतल पड़ी है। साइड में इमेज देख सकते हो, बहुत अच्छी बोतल है, बहुत अच्छे प्रोडक्ट है। मैंने न्यू अकाउंट बना के, पुराना डिलीट करके न्यू अकाउंट बना के मैंने ये ऑर्डर किया था, उसमें 300 का कूपन लग गया था, 100 रुपये का कूपन वैसे कर कुरा के मुझे दोनों प्रोडक्ट 250 या 300 के आसपास में पड़े हैं। तो जो काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट है आप देख सकते हो, आराम से 275 रुपये के मुझे दोनों प्रोडक्ट पड़ गए थे, 300 का कूपन लग गया था। ऐसे कुछ करके मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर करके बहुत सारे प्रोडक्ट मंगवाए थे। वो अकाउंट डिलीट करने का अगर आप लोगों को प्रोसेस जानना है तो मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर भी वीडियो बना दूंगी। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये वाला था, ये रिंग थी, उस 70 रुपये 91 रुपीज़ का, 20 रुपये इसमें शिपिंग चार्ज लगे थे। काफ़ी सुंदर रिंग्स है, अगर आप इनको वेयर करोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। एक 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 आप इनको वेयर करोगे, काफ़ी सुंदर रिंग है ये भी, प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, आप इसको भी ट्राई कर सकते हो। सबके लिंक मैं नीचे प्रोवाइड कर दूंगी आप लिंक के साथ। अभी इनके सबके प्राइस बढ़े हुए हैं, क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, सिल्वर रिंग लगती है तो काफ़ी अच्छी है ये, काफ़ी अच्छे पैकेजिंग में आई थी, काफ़ी सुंदर मुझे लगी है ये, ट्राई कर सकते हो, लिंक नीचे दे दूंगी। अच्छा कमेंट मत किया करो प्लीज़, ये फेक होता है, मैं स्क्रीनशॉट के साथ आपको सबको बता रही हूँ। अच्छा मैंने ये माइक लेम की लिपस्टिक मंगवाई थी 200 रुपये में, ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। न्यूड शेड सा कुछ, ये साइड में आप इमेज देख लो कुछ इस तरह की, बहुत ज़्यादा इस टाइम शो हो रही थी। अभी बीच में से कूपन चला था उसके थ्रू मैंने ये मंगवाई थी, 200 रुपये की मुझे पड़ी है। तो शेड में आप लोगों को दिखा देती हूँ, सिमिलर से शेड है सारे से ही। आप लोगों कहीं बाहर जाओगे तो आपको बहुत सारे लिपस्टिक कैरी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप न्यूड सेट की तरफ ज़्यादा पसंद करते हो, उसमें शेड एक और अवेलेबल है, वो भी आप ट्राई कर सकते हो। तो मुझे काफ़ी अच्छी लगी है, ड्राई होने के बाद काफ़ी कम्फर्टेबल फील करवाती है। चारों कलर है ये, दोनों कलर सेम है, थोड़े से दो डिफरेंट है, तो ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, ये आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। अच्छा भी काफ़ी है, यूज़फुल प्रोडक्ट है ये। माइग्लेम का एक प्रोडक्ट था जो मैंने आप लोगों को दिखाया, बाकी सारे मिंत्रा की है। चलो मैं स्टार्ट करती हूँ। ये फाउंडेशन है, स्विस ब्यूटी का फाउंडेशन है। इसकी कवरेज इतनी ज़्यादा नहीं है, ऊपर आप इमेज देख लीजिए कैसी इसकी इमेज, और प्राइस भी आप देख सकते हो 119 में मुझे पड़ा है। फिलहाल इसकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, सबकी प्राइस इंक्रीज हो गई है, पर आप फिक्र मत कीजिए। आप जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगता है लिंक के थ्रू उसको अपने विस्ट कार्ड में ऐड कर लीजिए। रोज रात को सोने से पहले एक बार उनको जरूर चेक किया करो, उनके प्राइस कभी ना कभी किसी भी टाइम कम हो सकते हैं, तो आप ये जरूर ट्राई कर लेना। अच्छा जब मैं आप लोगों को दिखा रही थी मुझे खोलना नहीं आ रहा था, इसको कैसे खोलना है। ये फाउंडेशन है, ये मेरी स्किन टोन से एक शेड लाइट है तो चल जाएगा। ये फुल कवरेज फाउंडेशन नहीं है, मैं पहले ही बता दूं, पर ये आपकी स्किन को बहुत अच्छा ग्लो प्रोवाइड करता है, स्किन में बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। आप देखिए मैं इसको लगा रही हूँ, स्किन ग्लो हो रही है। थोड़ा सा एक शेड डार्कर होता तो मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे से शूट करता, बट ये आप बीबी क्रीम की तरह डेली बेस पर यूज़ करते हैं, अगर कॉलेज जाते हो ऑफिस जाते हो तो ये काफ़ी बेस्ट प्रोडक्ट है। स्विस ब्यूटी अच्छा खासा ब्रांड है तो आपको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी इसके साथ। ब्लेंडर भी मिल रहा है तो ये भी काफ़ी अच्छी डील है, तो ये एक प्रोडक्ट आप मंगवा सकते हो। अच्छा ये फेस वॉश था वहाँ पे ऑफर, अभी भी ये फेस वॉश तो इतने का ही पड़ रहा है जितने का मैंने मंगवाया था। आई थिंक 97 का या 110 के आसपास मैंने मंगवाया होगा। इसकी पिच में, क्योंकि जिस अकाउंट से मैंने मंगवाया था वो मैंने डिलीट कर दिया, तो पिच वगैरह अभी इसकी मेरे पास है नहीं। प्राइस वगैरह मुझे ठीक से याद नहीं है, इसके MRP मैन्युफैक्चरिंग सब कुछ पीछे दी हुई है, आप मेरे वीडियो को पॉज करके सब कुछ डिटेल देख सकते हो। काफ़ी अच्छा फाउंडेशन है, एम कैफे का प्रोडक्ट वैसे ही मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो ये प्रोडक्ट भी काफ़ी अच्छा है। तो मैंने एक और फेस वॉश मंगाया, ये ममार्थ का फेस वॉश है। फिलहाल इसकी प्राइस 250 रुपये हो सकती है, पर 97 में मैंने ये ममार्थ का फेस वॉश मंगवाया, जो भी काफ़ी अच्छा है। ये दोनों फेस वॉश काफ़ी अच्छे हैं, दोनों की प्राइस सेम थी, ऑलमोस्ट 95 या 94 का मुझे दोनों ऐसे पड़े थे। तो ये दोनों प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे हैं। फेस वॉश अगर आपको नीड हो तो ये इनको ऐड टू कार्ट करके रख लेना, रोज़ रात को चेक कर लिया करो, इनकी प्राइस डेफिनेटली कम होती ही है।
एंड ये मुझे बहुत सुंदर, इसके लिए मैंने फिर से अपना अकाउंट डिलीट किया था ये बेलीज के लिए, उसके बाद भी ये मुझसे एक साइज नंबर छोटा आ गई है, बहुत सुंदर। इस टाइम आप इसकी प्राइस देख लीजिए, 1300 रुपये की इस टाइम है, और ऑलमोस्ट हमेशा इसका इतना ही प्राइस रहता है। उस टाइम जब मैंने मंगवाया था तो ये 700 की थी, मैंने अकाउंट डिलीट किया, 300 का कूपन अप्लाई किया, उसके बाद मुझे 350 की पड़ी है। बहुत ही सुंदर बेलीज है, कलर आप और भी बहुत सारे देख सकते हो, जिस सेलर से मैंने मंगवाया था उसके पास ही बहुत सारे और बहुत कलरफुल है। तो अभी राखी पे सेल चलेगा, जब 700 की हो तो आप भी अपना अकाउंट डिलीट करके 350 में मंगवा सकते हो। इसका कुशन अंदर से इतना ज़्यादा कम्फर्टेबल, इतना ज़्यादा कूल था, बहुत ही सुंदर था, तो ट्राई कर सकते हो, डेफिनेटली इसको ट्राई कर सकते हो, काफ़ी अच्छी प्रोडक्ट था ये। अच्छा, ये आजियो का एक और पार्सल है, जो मैंने ये कलर मंगवाया था, मुझे लगा ये मैं अफोर्डेबल प्राइस में मंगा रही हूँ, पर इसमें थोड़ा सा पॉपअप हो गया है, 20 रुपये इसकी MRP लिख रही है, और मुझे 94 में ये 4 पड़े हैं, तो 20 के हिसाब से तो आई थिंक ये 80 रुपये के ही होते हैं, 94 में मुझे ये पड़े हैं, तो पैसे थोड़े से ज़्यादा ही लग गए हैं कलर, तो ठीक है, एनी भी कभी कभी हो जाता था। मैंने उस टाइम सोचा था कि महंगे होंगे और मैं सस्ते में मंगवा रही हूँ, पर ऐसा नहीं है, 20 रुपये की इसकी MRP प्राइस। अच्छा, ये बोतल मैं, आप सोच रहे हो मैंने पहले दिखा दी, आयरन से पहले मैंने 2 बोतल ऐसी ऑर्डर कर दी थी, ये मुझे पड़ी थी 113 रुपये की, इनका प्राइस हमेशा कम होता ही रहता है, तो ये आप ऐड टू कार्ट करके रख लीजिए, रोज चेक करते रहिए करो, आप डेफिनेटली इसका प्राइस कम होगा। बहुत अच्छी बोतल है, मिल्टन की है, और ये शायद आधा किलो की बोतल है, काफ़ी अच्छी है, स्ट्रॉन्ग बोतल है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मेरा ये वाला था, ये कुछ कैंडल्स है, 20 का सेट है, 52 रुपये की मुझे पड़ी है, तो ये मुझे इतना खास पसंद नहीं आया, नॉर्मल मार्केट में 10 का सेट 15-20 रुपये में, 25 रुपये में आराम से पड़ जाएगा, तो ये 20 का सेट आई थिंक 50 रुपये में भी मार्केट में आपको मिल जाएगा, तो फिर भी आप मंगवाना चाहो तो मंगवा सकते हो, क्योंकि इनकी भी प्राइस आप कभी भी, जो भी प्रोडक्ट आपको अच्छा लगा ऐड टू कार्ड विस्ट लिस्ट करके रखा करो, कभी भी प्राइस इनका कम हो सकता है मिंत्रा में किसी भी वक्त किसी भी चीज़ का, पर ज़्यादातर वो लोग रात को ही सेल निकालते हैं, तो रात को सोने से पहले आपको जो भी प्रोडक्ट पसंद हो उसकी प्राइस जरूर चेकआउट करके सोया करो, अगर आपको मंगवानी हो तो कुछ भी। अच्छा, एम कैफे के ये 2 प्रोडक्ट और मंगवाए थे मैंने, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया मैंने अपना अकाउंट डिलीट कर दिया, तो इसका स्क्रीनशॉट मैं नहीं है, पर ये दोनों मुझे 50 रुपये में पड़े थे, और काफ़ी लोगों ने ये लिया है, आई थिंक 1-2 तो जिन्होंने लिया है, प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना कि हमने भी ये 50 रुपये में लिया है, ताकि और लोगों को विश्वास हो सके कि ये 50 रुपये में 2 फेस वॉश आपको मिले थे। अच्छा, इसमें इसके ऊपर लेबल लगा हुआ था, तो मुझे वो थोड़ा सा डाउट हुआ कि इसमें एक्सपायरी तो नहीं है, बट ये एक्सपायरी नहीं था, इसकी प्राइस में थोड़ा सा डिफरेंस था, इसके ऊपर आई थिंक 150 रुपये लिख रहे थे और इसके नीचे 99 का 1 लिख रहा था, बाकी एक्सपायरी वगैरह सेम थी जो बाहर थी, एक इसका कोई कोड था वो भी थोड़ा सा अलग था, उसका भी मुझे नहीं पता वो क्या था, बाकी तो सब कुछ सेम था, पर मुझे ऐसे लगा कि कहीं ये एक्सपायरी ना हो, तो मैंने इसको पूरा हटा के चेक जरूर किया था कि ये क्या माजरा है, दोनों में स्टिकर ऊपर से चिपका हुआ था, और मैं हूँ ही कबाड़े करती रहती हूँ, तो ये थोड़े से प्राइस आपको मैं जो शो कर रही हूँ इसमें थोड़ा सा चेंजेस था, बाकी तो सारा सेम था, एक्सपायरी तो ये नहीं था, 2025 में एक्सपायर होगा तो आप यूज़ कर सकते हो आराम से, बाकी सब सेम था, तो ये आप देख लेना, कोई भी प्रोडक्ट मंगवाओ अगर कम प्राइस में तो उसमें एक बार ज़रूर चेक किया करो, कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे कि इसके ऊपर ये लेबल चिपका के भेजा है, हालांकि मैं समझती नहीं हूँ जो उन्होंने कोड दिया है वो चेंज है उसका क्या मतलब है, तो आप देख लेना, एक्सपायरी नहीं है, बस मैं इतना कहना चाहूँगी, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, एम कैफे के प्रोडक्ट काफ़ी अच्छे रहते हैं, मेरी स्किन पे काफ़ी अच्छे से सूट करते हैं, इसलिए मैंने मंगवा लिए थे, 50 रुपये में 2 कुछ नहीं। और ये जीवामी की ब्रा थी, मैंने इससे पहले वाले हॉल में आपको, मैं इससे पहले वाले हॉल का लिंक आपको दे दूँगी, उसमें मैंने एक ब्रा दिखाई थी, वो शायद 94 या 95 की होगी, 112 की ये थी, ये बिल आप देख लीजिए, आप मत कहा करो झूठ बोलती हूँ, कुछ भी झूठ नहीं बोलती, जो होता है वो सच बोलती हूँ, तो ये पैडेड ब्रा है, काफ़ी अच्छी काफ़ी कम्फर्टेबल ब्रा है, जीवामी की ब्रा है, जिसकी प्राइस ऑलमोस्ट हमेशा 250 से ऊपर ही रहती है, फिलहाल भी इसकी मिंत्रा पे बहुत ज़्यादा प्राइस है, पर मैंने बहुत कम प्राइस में मंगवाया था, आपको अच्छी लगे तो विस्ट लिस्ट करके रख लेना। एक ये टी शर्ट था जिसकी प्राइस आप देख सकते हो कितनी कम प्राइस है, मुझे पिछली बार भी ये कमेंट आया था कि आप झूठ झूठ नहीं है भाई बाबा, मेरे को झूठ बोल के मिलेगा क्या, तो ये काफ़ी अच्छे टी शर्ट है, बिल्कुल प्लेन ग्रीन कलर की टी शर्ट है, इसकी इस टाइम इसकी प्राइस 250 रुपये हो रखी है, तो मैंने शायद ये 54-55 रुपये के आसपास मंगवाया था, तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, काफ़ी अच्छी टी शर्ट है, काफ़ी अच्छे से अच्छी है, मतलब बच्चों के लिए है, ये बड़ों के लिए नहीं है। ये मैंने एक मैनीक्योर पेडीक्योर किट मंगवाया था, जिसकी मैं
प्राइस 99 कुछ समथिंग थी। ये भी काफ़ी अच्छा है, इसको मैंने अभी तक खोला नहीं है, पर अगर आपको इसको रिव्यू चाहिए, उस टाइम मैं इसको फाड़ के दिखाने वाली थी, 98 रुपीज़ का मुझे पड़ा है, पर मेरे से खुला नहीं था। तो अगर आपको इसका रिव्यू चाहिए तो मुझे कमेंट कर देना, फुल पेडिक्योर करके मैं आप लोगों को वीडियो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कैसे इसको प्रोसेस करना है, क्या करना है, सब कुछ आपको बता दूँगी उस वीडियो में। अच्छा, इसकी प्राइस 250 रुपये है, और OPLUS 3 के प्रोडक्ट वैसे ही महंगे आते हैं, तो पेडिक्योर किट अगर आप लोगों को पसंद है तो आप बता देना, मैं पूरा प्रोसेस इसको करके बताऊंगी। इस पूरे हॉल में सबसे गंदा मुझे प्रोडक्ट लगा है ये वाला, 107 रुपये का ये दिया जो दिख रहा है ना, ये मुझे एक दिया मिला है 107 रुपये में, जबकि इसकी बाकी जो इमेज आप स्क्रॉल करोगे ना तो उस इमेज में 4 दिए हुए थे, तो मुझे लगा 107 रुपये में 4 दिए, नॉट बैड डील, बट ये एक दिया मुझे मिला है, और मैंने जब इसका रिटर्न डाला तो वो रिटर्न भी नहीं लेके गए, तो ये तो ऐसे ही मेरे रह गया है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया ये वाला दिया। तो बाकी आप देख लेना, अगर एक में भी आप कंफर्टेबल हो, फिलहाल इसकी 250 रुपये प्राइस है, तो मुझे ये वाला प्रोडक्ट सबसे मतलब इतना लूटा है, उसके बाद सबसे गंदा प्रोडक्ट मुझे वो वाला ही लगा था, और सबसे अच्छा प्रोडक्ट ये वाला है। इसके लिए भी मैंने अपना अकाउंट डिलीट किया था, 400-500 रुपये के आसपास की ये तो रैक थी, और ये मुझे पड़ी थी 250 रुपये में, ओनली 250। इसकी भी इमेज मेरे पास नहीं है क्योंकि मैंने अकाउंट डिलीट कर दिया इसके बाद। अच्छा, अब मिंत्रा वाले अकाउंट डिलीट करने के बाद जो भी नया अकाउंट बना था उसके 80 रुपये डिलीवरी चार्ज लगता है, ये कुछ इस तरह से आए हैं। इसके साथ इसके जो आगे के बोलते हैं, क्या बोलते हैं उनको, डोर को पकड़ के खींचने वाले ये हुक, ये अटैच नहीं आए थे, इसके अंदर आए थे, ये कुछ इस तरह की ड्रॉअर है, काफ़ी सुंदर है। साइड में इमेज आप देख सकते हो लगाने के बाद कितनी सुंदर है, स्पेसियस ज़्यादा नहीं है। मैंने जो अभी आपको जो प्रोडक्ट दिखाए हैं वो सारे मैंने इसमें रखे हैं, तो वो सारे इसमें आ जाते हैं, आराम से आ जाते हैं, तो आप देख सकते हो काफ़ी सुंदर है। बहुत सारे लोगों ने इसमें कलर, एक पिंक भी था, काफ़ी अच्छा था, तो आप इसको आराम से यूज़ कर सकते हो, मुझे बहुत सुंदर लगा है। रखा हुआ इतना ज़्यादा क्यूट लगता है कि बहुत ज़्यादा क्यूट सा लगता है, तो इस वजह से मैंने ऑर्डर कर दिया था 250 में। काफ़ी अच्छा है, मतलब इसकी क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी है, ऐसा नहीं है कि हल्का फुल्के प्लास्टिक में आपको दे रखा हो, काफ़ी सुंदर है, काफ़ी अच्छा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा है। तो ये था मेरा आज का मिंत्रा का होल। आए हो पापा लोगों को अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर लेना।